लखनऊ के इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया। यह गठन नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, यानी सरकार के अंडर में रहते हुए अधिकारी अब प्रोत्साहन समिति का गठन कर रहे हैं स्वच्छता के दृश्य से, स्वच्छता को धरातल पर लाने के लिए। इस कार्यक्रम में जोनल 8 के अधिकारी विनय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे, साथ साथ स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। इस प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को बनाया गया और उपाध्यक्ष शिव बिरन दुबे को बनाया गया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। में स्वच्छता को प्रामाणिकता के साथ धरातल पर उतारने के लिए उपस्थित है सक्षम अधिकारी जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये स्थानीय जोनल इनके अंडर में आता है इसी क्षेत्र में। हम बात करते हैं कि आखिर इस विषय पर क्या था और क्या था आज का विषय, पहला कि विषय क्या था और किस किन किन विषयों पर ये इस तरह का गठन करना पड़ा, क्योंकि तमाम पहले से आपके नगर निगम में पहले से इतनी सारी विषय उपलब्ध हैं इस पर काम करना चाहिए, उसके बाद एक और समिति का गठन करना पड़ा। इस गठन करने का कारण क्या क्या हुआ, क्या वजह हुआ जिसकी वजह से गठन करना पड़ा और आज का विषय क्या था? देखिए गठन ये स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति जो है ये प्रदेश सरकार के निर्देशों पर बनी हुई है सभी वार्डों में। इसी तरह इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड में भी ये स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन का उद्देश्य मुख्य ये है कि समिति में मतलब ऐसे लोग जो एक्टिव हैं और आकर सामने आए और जो समस्याएं हैं सफाई से संबंधित, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भारत सरकार का मेन वो है, उससे जहाँ सफाई की कोई दिक्कत हो वो समिति के माध्यम से लोगों की बातें नगर निगम तक पहुँचे और नगर निगम एक्टिवली उन समस्याओं का निराकरण करे। अभी हाल ही में महापौर ने पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई। जी जी, मीटिंग में पार्षदों की शिकायतें ये थी कि आपके अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं अगर स्वच्छता की बात करनी है, और कर्मचारी तो और लापरवाही है। इन सब के बावजूद अगर अधिकारी ये बात कहे कि आगे ठीक हो जाए तो कैसे विश्वास करें? नहीं नहीं, विश्वास देखिए इसीलिए तो सब समितियां बनी हैं। समिति के माध्यम से देखिए जन भावनाएं, के बस में कुछ नहीं है, जनता ही कुछ करे। नहीं नहीं, जनता आप यही काम करें, आपको फोन करके बताते रहें, आप लोग बस इनके। देखिए अधिकारी और जनता कोई दो पहलू नहीं है, एक रेलगाड़ी के दो पहिए हैं। जनता की समस्याओं के लिए ही अधिकारी और कर्मचारी हैं। नहीं नहीं, ये मैं तो अपने गारंटी लेता हूं कि मैं लगभग हर फोन उठाता हूं, मेरे सारे कर्मचारी भी फोन उठाते हैं। जहां स्थित समस्याएं आती हैं मैं स्वयं निदान करता हूं। अच्छा, अब तक कौन कौन सी है जो आप, जब इस तरह की समिति का गठन नहीं हुआ था उससे पहले किन किन विषयों पर आप लोगों ने सफलतापूर्वक काम किया, तो आपके जोनल की बात कौन सी मुहिम है जिसको धरातल पर? देखिए लगभग नगर निगम के जो भी दायित्व हैं, हर दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ हमने नहीं उन्हीं गंदगियों को दूर करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप जान लीजिए काफी बदलाव नजर आया है। ये आप समिति में इतनी जनता बैठी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि काम में नजर आया, तो ऐसा नहीं है, सारा काम हम लोग निश्चित करूंगा। तो उत्तर इतना आया कि आगे भविष्य में काम होगा और कितना हुआ है उस पर भी कहा है कि काम होता रहा है। हालांकि जब धरातल पर जाओ तो जो पहले चुनाव अभी थोड़े दिन पहले बीते हैं वहाँ पर सफाई होगी ऐसा आश्वासन देते रहे पार्षद के प्रत्याशीगण। अगर वो आश्वासन क्यों देते थे अगर स्वच्छता होती तो? बन चुके हैं अब इस समिति के अध्यक्ष जी चिकित्सा हैं, अब चिकित्सक हैं, एक परिपक्व चिकित्सक, कितना समय दे पाएंगे इस समिति को? बहुत समय दे रहे हैं और पूरा 100% अपना जो एफर्ट है वो देंगे, जो है पूरा समय पीजीआई में रहने के बाद भी अपना पूरा समय दे रहे हैं। अगर दोपहर में 2 बजे किसी का फोन आएगा तो उसे उस पर कैसे काम कर पाएंगे? नहीं, बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, उनको टाइम देंगे। अगर नहीं अगर बात नहीं कर पाते तो भाई फोन करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ, मैं बैक कॉल करता हूँ, 100% करता हूँ, हमारा फोन उठता है, दुनिया उठे लेकिन हमारा 12 बजे उठेगा जो है। नहीं, आपको पूछने पहले बता दिया जो है। क्या क्या नया लेकर आएंगे और आपको उस नए प्लान पर? मैं बताऊं, बिल्कुल हमें विश्वास है क्योंकि इससे पहले जो भी जोनल अधिकारी हुए हैं उतना उनसे अच्छा संबंध नहीं रहा है, और जो जोनल अधिकारी थे उनका मतलब हम लोग को कोऑपरेट नहीं किया है इतना जो है कि इब्राहिमपुर सेकंड को 110 वार्ड में नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। लेकिन असल पर आएगी निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन एजेंडा के साथ हम लोग जुड़े हुए थे और आज धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। वजह यह है कि 4 तारीख से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम विदिन 50 अगर हम आ जाएं
अपने लखनऊ को लेके आए, इसमें जनता की सहभागिता की जरूरत है। हम क्रिटिसाइज सिस्टम तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस पर विचार नहीं करते हैं। तो जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, हम स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने आप को विद इन 50 लेके नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के हम पिछले पायदान में 200 के नीचे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोबिलाइजेशन अधिकारी संडे के दिन शाम के 3 बजे से 4 बजे के बीच हमारे बीच में मौजूद हैं। तो लगता है कि नियत अच्छी है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो वक्त बताएगा। हम लोग उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि प्रोत्साहन समिति की, ये स्वच्छता का एजेंडा हम लोगों का शुरू से चला आ रहा है, उसी को हम लोग एक धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में ये पहला वार्ड है इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड जिसमें इस तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। दुबे जी बात करते हैं, शुभ्रंज जी क्या लगता है ऐसी समिति का गठन होगा तो निश्चित रूप से स्वच्छता जो धरातल पर अब तक नहीं आ पाई ठीक से वो आएगी? आएगी, हम लोग विश्वास दिलाते हैं, मतलब अधिकारी हैं हमारे यहाँ, पूरे नगर निगम के लोग समय दे रहे हैं और रात दिन यहाँ सफाई चलती है। और हम लोग इसलिए समिति बनाए हैं कि जो हमारी यहाँ की कमियाँ हैं हम लोग मिलकर करेंगे, और जितने हमारे यहाँ सब लोग भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनके सहयोग से सारे काम हमारे अच्छा वार्ड, हम चाहते हैं कि हम सबसे सुंदर वार्ड हमारा स्वच्छ रहा है, सबके साथ चल के और सबको ले के हाँ बढ़िया बना देंगे। हाँ बनेगा, जिला गठन करके धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है स्वच्छता को। देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो राष्ट्र से चला यानी कि दिल्ली से चला और यहाँ तक पहुँचा है, अब देखते हैं धरातल पर कितना आ सकेगा। कैमरामैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।